जस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं जस्योरसि व्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वसर्वगत शिव शशि निभ श्री शंकर पात्मा। शंकर भगवान समस्तंकर कल्याण करंतु। तृतीय नयन कार्यक्रम रे आमे आजि अंधकासुर चरित आलोचना करिवा। अंधकासुर किए काहेकि तार ना हला अंधक। ए अंधक शब्दरु जना पडुची केही जने अंध थिला ना से जगत को अंधकार आवृत करि दउथिला। अंधकासुर हेउची हिरण्याक्षर पुत्र। जे हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु वराह रूप से गदा युद्ध रे विनाश करथिले से हिरण्याक्षर एक पुत्र हेउचंती अंधकासुर। हिरण्यकशिपुंकर पुत्र हेउचंती प्रह्लाद। हिरण्यकशिपु वध परे प्रह्लाद हेले असुर मानंकर प्रधान एवं प्रह्लाद भक्त शिरोमणि तांकु मध्य इंद्रपद मिलिला। प्रह्लाद हेले असुर मानंकर प्रधान एवं देवता मानंक उपरे मध्य तांकर राजुति रहिला। दुई भाई प्रह्लाद एवं अंधक तिनिपुर को शासन कले। हेले सेई अंधक असुर प्रह्लादंकर भाई हेतिले प्रह्लाद मुख्य हेतिले। एपरी एक समय आसिला जेतेबेले प्रह्लाद एवं भगवान विष्णु के भितरे मध्य युद्ध हला। विष्णु सहित प्रह्लादंकर युद्ध हला। प्रह्लाद पुणी परास्त होइथिले विष्णु पाखरु किंतु परास्त होइथिले मध्य विष्णु प्रह्लाद को केबे वध करिवे नाही कारण प्रह्लाद को रक्षा करिसंती ये भक्त भगवान कर युद्ध। प्रह्लाद जेतेबेले भक्तिर सर मारिले सेतेबेले भगवान विष्णु हारिगले। कहिले प्रह्लाद कौन मागुछ। प्रह्लाद कहिले प्रभु मोर इंद्रपद दरकार नाही मु आपण सहित युद्ध करिवार कौनसी कारण नाही। हेले आपण जे वैकुंठपुर अछंती जेउठी सबुबेले नारायण का दर्शन मिलिव मोर सही स्थान दरकार। तबे प्रह्लाद सबुदिन पई वैकुंठवासी हे गले। वैकुंठरे रहिले एवं निजर भाई अंधकंकु देइदेले से असुर राजपद से इंद्रपद देइदेले। लिंगपुराण पद्मपुराण आदि रे एही कथार विशद वर्णना अछि। तबे अंधक जेतेबेले समग्र असुर मानंकर पति हेले ता पूर्वरु से भगवान शंकरंकु आराधना कले। भगवान शंकरंकु आराधना कले ब्रह्मांकु आराधना कले एवं दिव्य शक्तिमान प्राप्त हेले अंधकासुर। जेतेबेले हिरण्याक्षठु जन्म नेइथिले अंधकासुर सेतेबेले चतुर्दिग अंधार हो जाइथिला। सेति पई तार ना हला अंधकासुर। ब्रह्मा तांकु बर देले तुम्हें अनंत शक्तिशाली हेबो किंतु तांकु अमर बर देले नाही। अंधक को अमर बर देले नाही कहले अमर बर केवल विष्णु दे पारिबे मु दे पारिबे नै। हेले भगवान शंकर अंधक को बर देले तुम्हें हे अंधक तुम्हें अनंत शक्तिशाली हेबो समस्त तुम राजुति करिवो। अंधक समग्र असुर असुर समस्त प्रधान हो गले अंधकासुर। एपरी समय आसिला दिने अंधकासुर निजर अमात्य बा चार बा दूत आसी कहिला प्रभु आपण सबुठारु श्रेष्ठ अछंती अथच आपणक पाखरे एक सुंदरी रमणी नाही सेति पई आपणक राजत्व आपणक प्रभुत्व किछि शोभा पाउनी।
तबे सुंदरी रमणीर संधान कले कौटी मिले कहिले अमात्य मु देखी आसी एक पर्वत श्रृंगे गोटे जोगी तपस्या करुच्ची आउ जणे सुंदरी तरुणी से जोगी पाखरे बसी तांको आड़ को चाहि रही हेले जोगी से सुंदरी तरुणी को भ्रुक्षेप करूनाहांती किंतु सी होउचंती ये तिनीपुरर श्रेष्ठ सुंदरी जहाँ मु अनुमान कली तबे अंधकासुर शिवपुर को आक्रमण करिया को गले एवं पार्वती को हरण करिया को चेष्टा करिसंती अंधकासुर इतिमध्यरे शिवगण सहित रुद्रगण सहित अंधकर प्रचंड युद्ध हेछि एवं सर्वशेष भगवान शंकर मध्य निजे अंधक सहित प्रबल युद्ध करिसंती प्रबल संग्राम करी शंकर भगवान अंधक को शेषे निजर त्रिशूल प्रहार करी मारिदेवाई बसिंती किंतु अंधक सेतेबेले भगवान शंकर को स्तुति करिछि हे शंकर भगवान तुम्हें देवदेव महादेव आशुतोष सदानंद हे निजर भक्त को निजर शिष्य को किपरि बध करिव भगवान शंकर कहिछन्ति बार बार कहिली पार्वती प्रति लोलुप दृष्टि रखनी तुम्हें रखुच कहीं अंधक कहि प्रभु मोर तो असुर प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति रे मो मन में जहाँ भावना आसुची मुझे करी मो मन उपरे मोर आयत्त नाही से तो मुझे असुर जार मन उपरे निजर आयत्त आयत्त न थाए ना से ही जाए असुर तेणु आपण कृपा करी मोते निजर दास सेवक कर दिंतु शंकर भगवान अंधक को सबुदिन निजर दास निजर गण से परिणत कर तबे ये अंधकासुर शिवगण में रहीगला परे शिवंक भृत्य होगला परे संपूर्ण शिवंकर सेवक हो जाइछि अंधकासुर से भगवान शंकर स्वतंत्र भाव अंधक को शक्ति प्रदान करिसंती से रुद्र हो जाइछन् शिव शक्ति धारण करिसंती भगवान शंकरंकर यही होउछि तात्पर्य तांकर भक्त प्रति तांकर प्रबल अनुकंपा जी तांकु स्तुति करे ध्यान करे ताकु से सदा सर्वदा सुरक्षा प्रदान करती तबे अंधक को निजर दास भृत्य सेवक भाव में परिणत करी शंकर भगवान शत्रु को कृपा करते मंदराचल पर्वत रे भगवान शंकर एवं पार्वती पार्वती सहित विहार करुथिले ए विहार समय रे पार्वती शिवंकर आखि दुई आखि को हाथ रे बंद कर दिले ये गोटे विलास बा लीला रे खेल रे खेल खेल रे शिवंकर आखि को जेतले बंद कर दिले शिव तो आखि बंद कला वाला आखि बंद करे ध्यान सब वेळ करंती तपस्वी से किंतु पार्वती जेतले तांग आखि बंद कर देचंदी सेते बेळे तांकर दुई आखि सूर्य एवं चंद्र ये दुई आखि सूर्य चंद्र जो बंद हो जगत अंधकार छन्न हो समस्त जगत रे अंधकार खेलीगला अंधकार खेलीगला एवं से बड़े शिवंकर अंगर स्वेद बा झाल बहिला से झाल गोटे बिंदु जो तले पड़ा सी गोटे अंधा बा नेत्रहीन दृष्टिशक्तिन संतान हो जन्म तार ना हूँ अंधकार ये लिंग पुराणर कथा ये जो अंधकासुर ये पुणी धीरे धीरे शिवंकर संतान हो जन्म नेला विशाल रूप है धीरे धीरे से तार प्रभुत्व विस्तार कला अंध थिला किंतु ताकु दिव्य दृष्टि प्रदान कले शंकर भगवान जी तृतीय नेत्रधारी ज्ञान चक्षु दे देले तापरे अंधकासुर ब्रह्मांक पाखरे तपस्या करी बर पाइला कौन बर पाइला हजारे मुंड दुई हजारे हाथ दुई हजारे गोड़ दुई हजारे आखि दुई हजारे कान किंतु हजारे मुंड होगला अंधकासुर प्रचंड प्रतापशाली होगला अंधकासुर शिवंक ठारु जन्म नहीं किंतु सी पुणी असुर मानक भितर प्रधान शक्तिशाली असुर होगला एपरी एक समय आसला जे अंधकासुर शिवंक सहित युद्ध करने प्रवृत्त हो गला भगवान शंकर सहित अंधकासुर युद्ध करी प्रचंड युद्ध करी किंतु अंधकासुर ब्रह्मा ठारु आउ गोटे बर पाई तार देहर गोटे रक्तबिंदु जदि पड़
तले ताले सेहीपरी आउ एक असुर उत्पन्न हो बहुत असंभव कथा। शंकर भगवान जेतेबेले त्रिशूल प्रहार कले सेतेबेले ता देहरु रक्त झरला पुणी आउ गोटे अंधक हो गला। शिव जेते युद्ध कले अंधकासुर को मारी पारले नाही। शेषरे शिव सृष्टि कले चर्चिका चंड एवं चंडी चर्चिका एवं चंड दुई जन को सृष्टि कले जे कि अंधकासुर रक्त तले पड़िया मात्र के ताकु पान कर दे। चर्चिका विशाल जिह्वा विस्तार करी ये समग्र रक्त को शोषण करदे आउ चंड मध्य सेया कले तो चंड आउ चर्चिका जेतेबेले रक्त शोषण कर दिं किंतु शंकर भगवान कौन कले अंधकासुर सहित आउ युद्ध करि पारले नि। त्रिशूल रे ताकु गुंथी दे आकाश रे टेकी धरले हजार वर्ष पर्यंत ऊर्ध को टेकी धरले अंधकासुर को। एहिपर अनेक वर्ष गला परे अंधकासुर कहिला हे शंकर भगवान मु आपणकर कृत दास मु आपणकर चरणर दास तेणु आपण मते निजर दासानुदास कर दिंतु आउ मते ए राक्षस जन्मर उद्धार कर दिंतु। सेतेबेले भगवान शंकर अंधकासुर को निजर गणरे बा रुद्र गणरे नहीं जाइथिले। से एक सुंदर वास्तु पुरुष रूप से प्रतिष्ठित हले। शंकर भगवान को जेतेबेले आमे स्मरण करिबा तांको आमे अंधकारी बोली कहू अंधकार शत्रु होइथुवर अंधकारी किंतु अंधार भितर अंधकार भितर विचरण करती श्मशानवासी शंकर भगवान से अंधकारी शंकर भगवान तांकर अंगरु तांकर स्वेदरु सृष्टि होइथिबा अंश स्वरूप अंधकासुर को देइथिले एक सुंदर आस्पद एक सुंदर आश्रय सुंदर स्थान निजर रुद्रगण रे से सामिल हो पारले। शंकर भगवान एपरी महान जे शत्रु को मध्य निजर गण रे सामिल कर देइछंती। अंधकतांकर दासभृत्य सेवक हो जाइछि। अंधकासुर बध कथा भितर आम आउ गोटे तत्व मध्य पाउछु जेतेबेले समग्र जगत अंधकार छन्न हो जाए शिव होउछन्ती संहारकर्ता सृष्टि को से संहार करती समग्र जगत संहार परे अंधकार छन्न हो जाए प्रलय हो जाए सूर्य चंद्रंकर अग्नि मध्य न थाए केवल घोर अंधार थाए। से घोर अंधार होउछि अंधकासुर। से घोर अंधार को विनाश किए करिवे केवल ज्ञान सूर्य द्वारा चित शक्ति बा चिन्मय सूर्य द्वारा से अंधार को विनाश करिहेब। जेतेबेले सृष्टि निश्चिन्न हो जाए जेतेबेले 432,000 वर्ष हो जाए मानव वर्ष सेतेबेले कलियुग शेष हो जाए। कलियुग शेष हेले पुणी सत्ययुग आसीब 17,28,000 वर्ष पुणी सत्ययुग शेष हो जीव त्रेतय आसीब 12,96,000 वर्ष तापर द्वापर युग आसीब सी होची 8,64,000 वर्ष। एहिपरि कली सत्य द्वापर त्रेतया बा सत्य त्रेतया द्वापर कली ये चारि युग मिसिले 43,20,000 वर्ष हम हेले चतुर्युग है सत्य त्रेता द्वापर कली चारि युग मिसीगला गोटे चतुर्युग है। यही चतुर्युग जेतेबेले हजार थर आवृत्ति हम सहस्र चतुर्युग होते कौन हम ना ब्रह्मा को गोटे दिन हम आउ थे आउ हजार चतुर्युग हेले ब्रह्मांकर गोटे राति हम देवता मानकर गोटे युग हूँ आमर चारि युग आमर चारि युग हेले देवतांकर गोटे युग देवतांकर हजार युग हेले बा आमर 4,000 युग हेले हजार चतुर्युग हेले ब्रह्मांकर गोटे दिन एवं सेहीपरि आउ थरे हेले ब्रह्मांकर गोटे राति हुए दिन राति मिसिले ब्रह्मांकर गोटे दिन हुए। जेतेबेले ब्रह्मांकर 30 दिन हो जाए गोटे मास हो जाए आ 12 मास हेले गोटे वर्ष हो जाए गोटे वर्ष रु 100 वर्ष हो गले ब्रह्मांकर आयुष शेष हो जाए। जेतेबेले ब्रह्मांकर आयुष शेष हो जाए से कौन करती विष्णुंकर गर्भरे जाए लीन हो जाती। ब्रह्मा विष्णु दिने जाति विष्णु रुद्रस्य वासरे सोपि कालव संजाति कह कालं लंघितुं क्षमा। जेतेबेले ब्रह्मांकर 100 वर्ष आयुष शेष हो जाए
ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୟ ହୁଏ ଆୟୁଷ ସରେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ହେଲା ଆୟୁଷ ସରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାତି ହେବ। ଏହିପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 30 ଦିନ ହେଲେ, ମାନେ ଦିନ ରାତି ମିଶି ଗୋଟିଏ ଦିନ, ତାପରେ 30 ଦିନ ମିଶିଲେ ଗୋଟିଏ ମାସ, 12 ମାସ ମିଶିବ ବର୍ଷେ ହେବ, 100 ବର୍ଷ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବିଷ୍ଣୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ବିଷ୍ଣୁ ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେଲେ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାତି ହେବ। ତେବେ 2 ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶେଷ ହେଲେ, ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେଲେ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତି ବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ। କାଳର କାଳ ମହାକାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। କାଳର ଗଣନା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆମର 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ ବା ଦେବଙ୍କର 1000 ଯୁଗ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 30 ଦିନ ହେଲେ ବା 30ଟି ଦିନ ରାତି ହେଲେ 1 ମାସ, 12 ମାସରେ ବର୍ଷେ, 100 ବର୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଶେଷ। ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାତି, ଦିନ ରାତି ମିଶି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲେ 30 ଦିନ ରାତି ପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାସେ ହୋଇଯାଏ। 12 ମାସରେ ବର୍ଷେ, 100 ବର୍ଷରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି? ଯାଇ ସେହି ଶିବଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, କାଳ ଗର୍ଭରେ, ରୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଦିନେ ଯାଆନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ରୁଦ୍ରସ୍ୟ ବାସରେ ସ୍ୱପି କାଳ ବସଂ ଯାଆନ୍ତି କହ କାଳଂ ଲଙ୍ଘିତୁଂ କ୍ଷମା। ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେଲେ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାତି ହୁଏ। ଏହିପରି 30 ଦିନ ରାତି ହେଲେ ଶିବଙ୍କର 1 ମାସ ହୁଏ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର 12 ମାସରେ ବର୍ଷେ, 100 ବର୍ଷରେ ଶିବଙ୍କର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହୁଏ କି ନାହିଁ, ସ୍ୱପି କାଳ ବସଂ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଶିବ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଦେବତା ନଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି କିଛି ନଥାନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରି, ପରମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ପରମ ଶିବ ରୂପରେ ଶିବ ବାହାରନ୍ତି ଅନ୍ଧକାରୀ ହେଇ, ଅନ୍ଧକରିପୁ ବା ଅନ୍ଧକାସୁରର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଇଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକଦା ଅନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ତାରା, ଇଏ ସବୁ କିଛି କିଛି ନଥିଲେ, କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ସର୍ବତ୍ର ଅନ୍ଧକାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। କୁହାଯାଏ ଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟଂ ମହାଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟଂ ମଧ୍ୟେ ନିରାମୟ ବା ଅନ୍ଧକାର ତନ୍ମଧ୍ୟେ ଭାବିତ ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ନିରାମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିସ୍ତଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ଆୟ ସିଏ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିସ୍ୱରୂପ, ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜ୍ୟୋତି ବିନାଶ କରେ, ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ? ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷଠାରେ ବା ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ରହିଛି, ନେତ୍ରର ଜ୍ୟୋତି ରହିଛି, ଆଲୋକର ଜ୍ୟୋତି ରହିଛି। ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଛଳରେ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର, ସେଦିନ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର, ଶିଷ୍ୟ କହିଲ ଏ ଜଗତକୁ କିଏ ଉଦ୍ଭାସିତ କରେ? ଶିଷ୍ୟ କହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ କରନ୍ତି। ନା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଚଳଗାମୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ରାତ୍ରି ହୋଇଯାଏ, ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଭାସିତ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ରଜନୀ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ କିଏ ଉଦ୍ଭାସିତ କରନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ, ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଜଗତକୁ, ଅଗ୍ନି ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି ଆମର ଚଲାପଥକୁ, ଗତିପଥକୁ। ନା ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି କିଛି ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ
किए जगत को आलोकित करती किए उद्दीपित करती तुम्हें आखि बुझी दियो आखि बुझीदे शिष्य तुम्हें वर्तमान जापार तुम्हें अच्छा बोली ना हाँ जापार मुझी बोली ना हाँ तुम्हें जापार तुम चारिपटे किसी आश्रम परिसर वृक्षलता अच्छा ना हाँ हेले तुम्हें आखि बुझी तथापि केमी जापार ना गुरुदेव ये आत्मज्योति रूप से ये आत्मज्योति बल में मुवेश जापार आत्मज्योति हूँ श्रेष्ठ ज्योति आखि बुझीदे हृदय प्रकाश जी हूँ से प्रकाशमान ज्योति हूँ आत्मज्योति आत्मज्योति रूप से स्वयं शंकर भगवान मोर हृदंतर में विराजमान होती आत्मा तम गिरीजा मति सहचरा तुम्हें ही आत्मा तुम्हें ही आत्मा तुम्हें ही आत्मा हे शंकर भगवान ज्योति स्वरूप सकल घटने तुम्हें विराजमान करुच आत्म रूप से तेणु से आत्मज्योति रूप से जीव दर्शन करुभव कर संसार को अंध देखि थाई बधिर शुणई ए सूत्र जाकु गोचर से ही भक्त माने जानी पाई थिबे तत्व सिना शिवंकर अंधार भितर जे आलोक को प्रस्फुटित करती आम कण कहू असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतंगमय एक कथा किए करती असतरु सत को आमको किए नि ना से सतरे जार आनंद सी हूँ सदानंद शंकर भगवान को कह जाए सदानंद सदानंदर संधि विच्छेद दुई प्रकार हे गोटे हूँ सदा युक्त आनंद सदानंद आउ गोटे हूँ सत युक्त आनंद हूँ सदानंद तबे शंकर भगवान सतरे आनंद खोजती सदा आनंदशील था तेणु ये हूँ से आत्मज्योति सदानंद सत् चित से चिन्मय शक्ति एवं आनंदमय केमिति ना हरिभक्ति सदा सर्वदा से आनंदमय था तेरे से ही आत्मज्योति जी आमको असतरु सत् को नहीं जाऊँचे नौ आमको तमसरु ज्योति पथ को अंधकार ज्योति पथ को जी पथ कढ़े नौ बाट देखे नौ हूँ से शंकर भगवान असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर मा अमृतंगमय मृत्युर मत अमृत को नहीं जाओ अमृतत्व प्रदान कर किए देवे अमृत ना जी मृत्यु को निजे जय कर मृत्युंजय सी हूँ काल जयी से ही शंकर भगवान आम को अमृतत्व प्रदान करे मृत्यु मा अमृतंगमय तेणु तांकर नाम हला शिव कौन कहो आम जे सत्यं शिवं सुंदरम से सत्य से शिव से सुंदर सत्य माने चिरंतन चिरकाल स्थायी आज अच्छा वर्तमान अच्छा अतीतरे थिले भविष्यतरे रही थे तेणु सत्यं शिवं सुंदरम से सच्चिदानंद से सदानंद शंकर भगवान सी हूँ अंधकारी अंधार हूँ अज्ञान अज्ञान हूँ अंधार बा अज्ञान रूप को अंधकार को विनाश करी जे आलोक चित आलोक चिद्घन चिन्मय ज्योति प्रदान करती से ही हूँ शंकर भगवान से ही हूँ तंकर तृतीय नेत्रधारी तृतीय नेत्र को आम कहू अग्निनेत्र सूर्य चंद्र अग्नि आम कथा शुणिलु अग्नि जगत को उद्भासित करे ना केवल आत्मज्योति ही उद्भासित करती तेणु तृतीय नेत्र हूँ आत्मज्योति आत्मार जो विकास हुए आत्मार जो प्रकाश हुए से प्रकाशमान ज्योति हूँ शंकर भगवान असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय जय शंकर भगवान जय शंकर भगवान।